तो सबसे पहले हम साग को कट कर लेते हैं, साफ कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको बारीक कट कर लेंगे। इसके साथ हम 3 आलू लेंगे, इसको भी छीलकर और कट कर लेते हैं। तो ये हमने आलू को कट कर लिया है, इतने पतले पतले स्लाइस में कट किए हैं। तो अब हमने एक फ्राई पैन ले लिया और उसमें हमने 2 चम्मच कड़वा तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल हमने शामिल कर दिया है जो कि गर्म हो रहा है। तो तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें आलू को फ्राई कर लेते हैं स्लाइस को। तो जब तक आलू फ्राई हो रहा है तो हम 3 लहसुन की जगह लेंगे और इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। इसी तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन हमें आलू फ्राई कर लेना है। अब इसको हमें बाहर निकाल लेना है। आलू फ्राई करके हमने दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं, तो तेल इसमें भी है। अब इसे मेथी दाने हम शामिल करते हैं। तो हम इससे 10 से 15 मेथी के दाने डालेंगे जो कि क्रैक हो रहे हैं। अब जो लहसुन को हमने कूटा हुआ था वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो लहसुन फ्राई हो रहा है जब तक कि हम हरी मिर्च को कूट लेंगे। जैसे 7 हरी मिर्च है जिसको हमने कट कर लिया है, 3-4 पीस एक मिर्च के लिए है, 8-10 हो गए हैं। अब इसी में हम डाल के इसको अच्छे से वो कर लेंगे। तो लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम हरी मिर्च को शामिल करते हैं। तो हरी मिर्च को भी हल्का मोटा मोटा आपको कूटना है। इसी के साथ हम हल्का सा सौटे करके और साग को शामिल कर देंगे। इसको और कलरफुल बनाने के लिए तो 1/2 चम्मच हम हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी को 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम साग को शामिल करते हैं। तो ये देखिए साग अभी पकना शुरू हुआ है। अब इसको कवर कर देते हैं। इसमें नमक अभी शामिल ही करेंगे और ना ही आलू। तो 5 मिनट के बाद साग थोड़ा गल जाएगा तब आलू शामिल करेंगे और नमक हम भुनाई के समय डालेंगे क्योंकि पानी भी और ज़्यादा निकलने लगता है इसमें से। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, तो अब हम आलू को भी शामिल कर देंगे। अब इसको 6 से 7 मिनट तक कवर करके पकने देंगे। देखिए पानी इसका जल चुका है। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे क्योंकि अब भुनाई का टाइम है, तो अब नमक शामिल करते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये साग में ऑलरेडी वैसे भी जितने भी हरी पत्तियों वाले साग होते हैं उसमें नमक होता है, तो उसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने 1/2 से कम चम्मच नमक डाला है। अब फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। कहते हैं इसको ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए क्योंकि इसमें जितने भी तत्व होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन थोड़ा भुनाई करना भी अच्छा लगता है क्योंकि जब भुना हुआ साग होता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसलिए इसको अच्छे से भुनेंगे। तो साग हमारा अच्छे से भून चुका है, ये देखिए। अब गैस को हम ऑफ करते हैं।